बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आज हम ताकत और एनर्जी से भरपूर उड़द दाल की मिठाई बनाएंगे, जिसे उड़दिया भी कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उड़द की दाल का आटा ले लिया मैंने 250 ग्राम या 1.5 कप, चीनी 250 ग्राम या 1.5 कप, रेगुलर चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था, घी 250 ग्राम या 1.5 कप, गुड़ 100 ग्राम, 25 ग्राम बादाम को बारीक कूट लिया मैंने। सबसे पहले पतीले में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी जब मेल्ट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम गुड़ डालकर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गुड़ डालकर हम चेक करते हैं, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो गुड़ डालकर हम फ्राई करेंगे। गुड़ को हमने 2 हिस्सों में फ्राई करना है। गुड़ फ्राई हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम तमाम गुड़ को फ्राई करके निकाल लेंगे। और इसी पतीली में हम बकिया घी भी डाल देंगे। और घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा और हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम माश की दाल का आटा डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हम आटे को भूनेंगे। इसे उड़द की दाल का आटा भी कहते हैं और माश की दाल का आटा भी कहते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम बिल्कुल धीमी आंच पर आटे को भूनेंगे। जब आटा हम भून रहे होंगे तो चमचा हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे। आटा भूनते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। आटे को भूनने के बाद चूल्हे से हटा लिया था मैंने, अब इसमें किसी भी चीनी मिला लेंगे। किसी भी चीनी डालकर हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और साथ ही गूंद भी डाल देंगे। गूंद को मैंने कूट लिया था और बादाम को भी कूट लिया था, वो भी डाल देंगे। गूंद और बादाम मैंने थोड़ा गार्निश के लिए रख दिया है। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको एक थाली में निकाल लेंगे। थाली को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था। तमाम मिक्सचर को थाल में डालने के बाद फैला देंगे अच्छी तरीके से और चम्मच की मदद से हम प्रेस करेंगे। इसके बाद गार्निश करेंगे। गुड़ जो मैंने बचा के रखा था वो डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद बादाम जो कूट के रखी थी वो भी डाल देंगे हम। और फिर दोबारा से प्रेस करेंगे और 10 मिनट के बाद हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद भी मज़ीद 1 से 1.5 घंटा हम इसे प्रॉपर ठंडा होने देंगे। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम पीस निकालेंगे, तो फाइन पीस निकलेंगे। उससे पहले पीस निकालेंगे तो पीस हमारे टूट जाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं
और हमारी बुरैदे की मिठाई ठंडी हो चुकी है। तो जो कट लगाए थे हमने उसके पीस निकाल लिए हैं। मज़ेदार सी उरदे की मिठाई हमारी तैयार है।